नमस्कार दोस्तों, आज है 7 दिसंबर और इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के लिए चार इंट्राडे स्टॉक्स। तो सबसे पहले अगर हम यूएस मार्केट को देखें तो यहां पे आज डाउ जोन्स में एक मार्जिनल प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हम नैस्डैक को रिकॉर्ड 12,500 के ऊपर यहां पे ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। सिमिलरली हम S&P 500 में एक फ्लैट ट्रेंड को देख सकते हैं, जिसके वजह से यहां पे कल आपको निफ्टी 50 13,400 के ऊपर यहां पे ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है और बैंक निफ्टी को हम यहां पे 30,000 के लेवल्स के ऊपर यहां पे ट्रेड होता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर एरिया लेवल्स को देखा जाए तो यहां पे ज्यादातर केसेस में कल आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, तो कल इनके क्लोजिंग के बेसिस पे आप इनमें अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है, इसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में एक सिग्निफिकेंट रिकवरी हमें देखने को मिल जाता है। स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के काफी करीब यहां पे ट्रेड कर रहा है। इन केस कल ये अगर आपको 2300 का जो लेवल से अगर ये उसे सस्टेन करने में कामयाब रहता है और इसके ऊपर अगर ये अपने ओपनिंग देता है तो आपको इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कल यहां पे दिखाई दे सकता है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है HDFC। स्टॉक में आज अराउंड 2.54% का एक अपसाइड हमें देखने को मिल जाता है और इसके ऑर्डर बुक से कल आपको यहां पे एक फ्लैट ओपनिंग यहां पे देखने को मिल सकती है। अगर इसके फ्यूचर लेवल्स को देखा जाए तो कल यहां पे आपको 2300 के ऊपर यहां पे फ्यूचर साइड में थोड़ी सी बुलिश साइड दिखाई देगा, तो कल आप 2300 के लेवल्स के ऊपर अपना बाय ट्रेड इसमें इनिशिएट कर सकते हैं और आपको इसमें 2320 और 2325 तक यहां पे दो टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर दूसरे स्टॉक को यहां पे देखा जाए तो यहां पे आज एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट के चलते यहां पे स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट बाइंग यहां पे देखा जा सकता है। स्टॉक करेंटली अपने पिछले कुछ महीनों के हाईएस्ट लेवल पे यहां पे ट्रेड कर रहा है। अगर कल आपको 475 का जो लेवल से उसे सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तो स्टॉक में एक फर्दर अपसाइड यहां पे कल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे UPL लिमिटेड के बारे में, जो कि करेंटली वेरी एक्सपेंसिव होने के बावजूद स्टॉक में एक बुलिश साइड यहां पे आज हमें देखने को मिल जाता है। इसके ऑर्डर बुक से कल ये आपको फ्लैट और इवन गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है और इसके फ्यूचर साइड से आप इस बात को यहां पे कंफर्म कर सकते हैं। तो कल अगर ये आपको 475 के ऊपर यहां पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे तो आप 480 और 483 के दो टारगेट स्टॉक में प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड यहां पे चैनल का जो प्रीमियम सर्विसेज है उसे अवेल करना है, उसके लिए हमने नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है उसे प्रोवाइड किया हुआ है और वहां से मेरे साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम तीसरे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी आज देखे गए सिग्निफिकेंट बुलिश ट्रेंड की वजह से स्टॉक काफी ज्यादा यहाँ पे रिकवर हो गया है और यहाँ पे स्टॉक करेंटली थोड़ा सा पुलबैक के चलते 1064 के करीब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर इन केस ये आपको इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है उसे ब्रीच करता हुआ दिखाई दे, अगर इसके ऊपर ये कल ओपन होता है तो आपको इसमें एक बाइंग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की तरह यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो स्टॉक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जिसमें आज अराउंड 6% का एक सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पे देखा जा सकता है। करेंटली इसके ऑर्डर बुक से कल एक फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट किया जा रहा है और इवन इसके फ्यूचर साइड से आप इस बात को जाके कंफर्म कर सकते हैं। तो कल अगर ये आपको 1060 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन होता हुआ दिखे तो आप 1075 और 1080 के दो टारगेट स्टॉक में बाय साइड में प्लान कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक करें और इसके नीचे अपना फीडबैक यहाँ पे जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे हमारे वीडियो की रीच बढ़ती है और बाकी लोगों को भी इन सब इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में पता चलता है। इसके बाद आखिरी स्टॉक में भी यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रैली के चलते यहाँ पे एक ब्रेकआउट को देखा जा सकता है। स्टॉक यहाँ पे 460 के ऊपर कल आपको थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश दिखाई दे सकता है, क्योंकि 460 पे स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये इसके ऊपर कल यहाँ पे सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे 1-2% तक एक रैली यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो स्टॉक है सन टीवी नेटवर्क, जिसमें आज अराउंड 4.66% का एक अपसाइड यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। स्टॉक के ऑर्डर बुक से कल ये आपको मार्जिनली गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस बात को यहाँ पे फ्यूचर साइड से हम जाके कंफर्म कर सकते हैं।
तो कल अगर ये आपको 465 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन होता हुआ दिखे तो आप 470 और 472 का जो टारगेट बाय साइड में जाके प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको अपने टारगेट और स्टॉप लॉस रिलेटेड कोई क्वेरी है उसके लिए हमने चैनल पे यहाँ पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसे आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहां से आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। नैस्डैक को अपने रिकॉर्ड लेवल्स पे आज ओपन होता हुआ देखने के बाद अगर हम निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करें तो ये अपने लाइफ टाइम हाई पे आज यहाँ पे ओपन हुआ, लेकिन बाद में इसमें एक बाइंग आने की वजह से इसने 13,355 पे जाके अपना क्लोजिंग दिया है। अगर डेली कैंडल के बेसिस पे इसे अभी देखा जाए तो करंटली ये अपने सभी ईएमए लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अगर कल ये आपको 13,300 के लेवल को सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तो ये हमें एक फर्दर न्यू अपना लाइफ टाइम हाई यहाँ पे फॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके लिए अगर वीकली ऑप्शन चेन डेटा को यहाँ पे फॉलो किया जाए तो हमें इसके पुट लेवल्स पे 13,300 के स्ट्राइक पे यहाँ पे एक इमीडिएट सपोर्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस लेवल पे करंटली 19,71,000 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देखा जा सकता है, और हम इस लेवल पे अराउंड 26,63,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कल ओपनिंग के वक्त आप इसे एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और अगर कॉल लेवल्स को देखा जाए तो यहाँ पे 13,400 और 13,500 के ऊपर हमें अगले कुछ रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ पे निफ्टी को 13,300 के ऊपर अपना ओपनिंग देना होगा। अदरवाइज कल से हम इसमें एक मार्जिनल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स को देखा जाए तो इसने 30,000 के ऊपर आज अपना ओपनिंग दिया, और बाद में थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद इसने फाइनली 30,211 के लेवल्स पे जाके अपना क्लोजिंग दिया है। डेली कैंडल्स पे अभी भी इसमें एक मार्जिनल अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेगमेंट में अभी भी यहाँ पे मेजर ब्लू चिप स्टॉक्स में एक रैली यहाँ पे एक्सटेंड होता हुआ देखा जा सकता है। तो कल अगर ये आपको 30,000 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन होता हुआ दिखे तो आप इसमें एक मार्जिनल बाई ट्रेड लेने के बारे में प्लान कर सकते हैं। इसके लिए अगर वीकली ऑप्शन चेन डेटा को यहाँ पे दिखे तो 30,000 के लेवल्स पे यहाँ पे पुट साइड में एक इमीडिएट सपोर्ट कल के लिए हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आज 3.86 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देखा जा सकता है। इसके बाद अगर कॉल लेवल्स को देखा जाए तो 30,500 के ऊपर करंटली 9.2 लाख से भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर इन केस बैंक निफ्टी 30,200 के ऊपर अपना ओपनिंग दे और इसे अगर इसे सस्टेन करता है तो आपको 30,500 तक कल एक रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। और अगर आप स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड और अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे मैनेज करवाना चाहते हैं तो आप नीचे एक टेलीग्राम चैनल के लिंक से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक प्रीमियम सर्विस है, अगर आप इसे अवेल करना चाहते हैं तभी आप इस टेलीग्राम लिंक पे अपना कॉन्टैक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियो और अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।